सिर्फ 4 सब्सक्राइबर बचे फिर मेरे 1 के हो जाएंगे फाइनली. हमारी इतनी मेहनत जो है वो आज थोड़ी सी रंग भी आ जाएगी. सिर्फ 3 बच्चे हैं मरियम ने कहा, सिर्फ 3 बच्चे. माय गॉड, सिर्फ 2 रहते हैं फ्रेंड्स और मेरे. ओ गॉड, कब होंगे ये 2? 919. और इस वक्त मेरी हालत को अब इग्नोर करना, मैं डायरेक्ट कैमरे के सामने क्योंकि ये सीन मुझे कैमरे में कैप्चर करना है. और 999 और 999. अरे एक कम हो गया यार. बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया. करो करो जो 9 भाई, करो करो. फाइनली 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 फ्रेंड्स, हमारे 1K जो है वो हो चुके हैं यूट्यूब में. और आई नो ये एक छोटी सी खुशी है लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक होती है ना कि आप लोग की मेहनत होती है, 1 सब्सक्राइबर से लेकर 1K तक जाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है. ये सब सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट है. बाकी दोनों महीने भी आ गए, मुझे इतनी खुशी होती है. मेरे ज्यादा मरियम ने भी सपोर्ट किया, सब ने किया मुझे और फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया फ्रेंड्स. तो इंशाल्लाह 1K जिस तरह हो गए 100K 1 मिलियन सब कुछ कर दीजिएगा बस आप लोग प्लीज. और इन चारों जो सेलिब्रेशन है ना फ्रेंड्स, वो हम कब करेंगे? कल करेंगे. फाइनली फाइनली प्लीज आगे मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहिएगा क्योंकि ये सब आप लोगों की वजह से है मैं यहाँ तक आई हूँ. बस आगे भी मुझे इतना ही सपोर्ट करना फ्रेंड्स और आगे शेयर भी करना मेरा चैनल प्लीज प्लीज प्लीज. ये एक बहुत बड़ी बात होती है. मुझे याद है फ्रेंड्स कि मुझे जिस टाइप का केक बनवाना है ना तो वो होगा मतलब थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके, क्योंकि फिर ऐसे सिंपल केक लाऊंगी तो वो पता नहीं उस टाइम नहीं कर सकते. तो इसलिए मैंने सोचा कि केक है वो मैं खुद ही अपनी मर्जी से उनको जाके बताऊंगी. अगर वो अर्जेंट ऑर्डर कर सकते कल तक तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते कि क्या होता है. खुला तो होता है लेकिन वही बात है ना कि कैसे अर्जेंट ऑर्डर कैसे ले. लेकिन बस मेरी दुआ है कि ये वाला काम मुझे मार दो. ये ना हमेशा इधर जाके बैठ जाते हैं, पागल है. मुझे फ्रेंड्स बाइक पे लेके जा रहे हैं, इतना अच्छा भाई है मेरा. चलो फाइनली फाइनली फ्रेंड्स जाने लगे हैं. सो हे फ्रेंड्स, फाइनली नेक्स्ट डे हो गया है और आज मैं अभी कॉलेज गई थी तो कॉलेज से आ गई हूँ. और आज मुझे इतने सारे काम करने हैं, मुझे अपने केक का ऑर्डर भी लेने जाना है, मुझे डेकोरेशन भी करना है और इतनी सारी तैयारियाँ करनी है. और पता नहीं कब हो पाएगा टाइम से यानी क्योंकि थोड़ी सी टेंशन भी है लेकिन अल्लाह करके हो जाए. लेकिन सबसे पहले अभी नाश्ता करते क्योंकि भूख बहुत लग रही है. जस्ट फ्रेंड्स मैं करने लगी अपना नाश्ता क्योंकि मैं कब से आ गई हूँ, घंटे से मैं ऐसे ही बैठी थी. तो अभी मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ फिर क्योंकि मैं बाद में कोचिंग जाऊँगी. और फ्रेंड्स अभी मुझे केक भी लेने हैं लेकिन मैंने सोचा कि मैं केक लेने सुफियान को भेजूंगी क्योंकि मुझे फिर कोचिंग भी जाना है क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है साथ साथ. तो इसलिए सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ. नाश्ते में खा रही हूँ केक रस और चाय क्योंकि आज मैं दिल्ली में बस ये क्योंकि अम्मी ने कुछ भी नहीं बनाया है मेरे लिए. डेकोरेशन के लिए चीजें लेनी तो मेरा भाई ले आएगा. सुफियान कब लाओगे आप बताओ तो सही. सेलिब्रेशन आज कल लाएगा. अभी मैं अपने कोचिंग जाने के लिए रेडी हो चुकी क्योंकि मुझे अभी जाना है कोचिंग और मैं आऊंगी वही 7 बजे. तो 7 बजे मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूंगी क्योंकि अभी पढ़ाई भी जरूरी है और साथ साथ व्लॉगिंग कर रही हूँ तो थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है. लेकिन खैर आकर व्लॉग भी कंटिन्यू करते फिर हम लोग आकर ही सेलिब्रेशन करते. कोचिंग से आ चुकी हूँ फ्रेंड्स और जैसे मैं आई ना तो मुझे इतने सारे काम थे, डेकोरेशन के लिए चीज़ें मंगवानी थी और केक भी मंगवाना था. तो अभी 8 बज रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बहनों को डेकोरेशन के लिए लगवाया. और सबसे पहले मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करूँगी फ्रेंड कि आज की जो पार्टी है उसमें आएगा एक चीफ गेस्ट और वो कौन होगा वो मैं आप लोग को चीफ गेस्ट से मिलवाते वक्त ही बताऊँगी. खैर फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा देर होगी, मुझे मेकअप भी करना है लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है. अभी क्या है ना फ्रेंड, नीचे मेरे कज़न है उनको कोई शादी पर जाना तो वो यहीं से तैयार होकर जा रहे हैं. तो जब वो लोग चले जाएंगे फिर हम लोग नीचे जाएंगे डेकोरेशन करने. इतने सारे काम हैं और कुछ भी नहीं हुआ अभी तक. तो अभी यहाँ पे मैंने बच्चों को डेकोरेशन करने के लिए दी थी फ्रेंड्स तो उन्होंने आधे से ज़्यादा बलून जो ये सारा काम कर दिए. हमारा जो सबसे मेन काम होता है ना फ्रेंड्स वो यही होता है और ये हो चुका है. जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा. हमारे पास कुछ भी नहीं था इन टाइम पे तो मैं अभी एक डोरी से इसको बांध रही हूँ सारा और ये बना रही. बहुत मेहनत लगती है इसमें लेकिन ये मैं जल्दी कर लूँगी. हाँ जो डेकोरेशन था हमने 1 घंटा लगाया, अभी 10 भी बज रहे, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक. तो ये डेकोरेशन जो है ये बस इतना सही हुआ है क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास कुछ भी एंड टाइम पर कभी ये नहीं मिल रहा कभी वो नहीं. ये तो होता ही है जब इंसान कभी कभी कोशिश करे तो कुछ अच्छा नहीं होता, ये तो आप लोग जानते हैं. लेकिन ये सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है बट मैं कह रही थी मुझे पता नहीं कन्फ्यूजन हो रही है. खैर मैंने सोचा कि मैं
फिर भी ये इतना भी अच्छा लग रहा है, वन के मैंने इस साइड लगा दिया। मैं करूंगी ओपनिंग, ठीक है? ये चाकू में लाइए ना ओपनिंग के लिए मम्मा, आप लोग मेरी वीडियो में ना मैं ओपनिंग करूंगी। नहीं आ रहा मुझे, हमने तो भैया बेचा चीफ गेस्ट अभी नहीं बोलना, चीफ गेस्ट आपने नहीं बोलना भी, ठीक है? चीफ गेस्ट अभी नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वो तो बाद में रिवील होंगी या होऊंगा, कुछ भी हो सकता है। मैं बस बस मैं इसको निकालने के बाद ही वीडियो कंटिन्यू करने जा रही हूँ। मैंने सोचा नहीं मैं पूरा केक आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि केक बहुत स्पेशल है फ्रेंड्स, तो मैं इसकी ओपनिंग करने जा रही हूँ। तो सब बोलो 1 2 3। ऐसे लग रहा है जैसे मैं इधर हूँ कसम से। ये खाना होता है? ये नहीं खाते, ये स्टीकर एक। तो मैंने सोचा ये जो है मैं इस साइड थोड़ा सा रख देती हूँ, और ये हो गया फाइनली हमारा केक जो है कम्प्लीट। फ्रेंड्स मैंने इसका यू खड़ा किया, ये यू आया, और ये देखें कुछ नहीं हुआ। खैर जैनब मरीम पकड़ो, जैनब डायलॉग बोलो फिर से। अपनी गलती तो कोई नहीं मानता, प्यारी समझ गई। जाहिर है जिसका केक है फिर वो थोड़ी गलती मानेगा फ्रेंड्स। और अभी तो अपना दिन है आज, आज तो सेलिब्रेशन है। पहले मरियम जैनब से तो मिल लो यार, आज मरियम जैनब किधर थे आप लोग? अक्सा थैंक यू हमारे वन के कंप्लीट करने के लिए। आप लोग सब पे सब साथ बोलो थैंक यू हमारे वन के करने के लिए। चलो चीफ गेस्ट से इनको मिलवाते हैं, ठीक है ना? तो अभी हमारे चीफ गेस्ट जो है उनके आने का टाइम हो चुका है फ्रेंड्स। वो कब से बैठी हुई है, बैठा हुआ, ये तो मैंने आप लोग को बताया नहीं है। ओके, लेकिन सबसे पहले अपने चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, तो फिर जोरदार तालियों के साथ हमारे जो चीफ गेस्ट है उनका नाम है, बल्कि उनका इंट्रो ही मैं करवाती हूँ, वो है हमारे सबसे फर्स्ट सब्सक्राइबर सवेरा। थैंक यू, इधर आ जाओ, इधर सवेरा है हमारी चीफ गेस्ट फ्रेंड्स आज के दिन की। वो क्यों? क्योंकि उसके पीछे की स्टोरी मैं आप लोग को बताती हूँ। वो ये है फ्रेंड्स कि जो सवेरा है ना, ये मेरी फर्स्ट सब्सक्राइबर थी, और ये मेरे इस वीडियो में आप उसमें जाकर देखे आपको पता चलेगा कि सवेरा मुझसे मेरा चैनल मांगने आई थी, तब हमने उसकी वीडियो बनाई थी, आपको याद भी होगा ना। तो तब से लेकर आज तक ये मेरी बहुत फैन है, और ये मुझसे मिलने भी हर वक्त आती है, हमेशा मेरे घर आती रहती है। तो मैंने सोचा कि आज के दिन जो मैं किस आज के दिन में कैसे सवेरा को भूल सकती हूँ, तो इसलिए आज मैंने उसको चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे घर बुलाया है। फ्रेंड्स सवेरा के साथ हम करेंगे 1K सेलिब्रेशन। नाम तो आए यार, मैं मेरा है दोनों भी आए और अभी मैं इसके ऊपर ही लगा देती हूँ, क्योंकि ये ना इसके ऊपर लगाऊं और इधर ही ठीक रहेगा। हमारा यूट्यूब कितना प्यारा लग रहा है। और पहले अक्सर इधर आओ ना, अक्सर चिंगारी से बहुत डरती है ना, अक्सर इधर खड़ी रहो, कुछ भी नहीं होता, ठीक है? स्प्रे नहीं करना, स्प्रे साइड में करो, स्प्रे से आग लगती है, ठीक है? ये इधर सही पे सब साथ मिलकर कट करने, ठीक है? रेडी रहना, ओके। सवेरा मेरे लिए गिफ्ट आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू सवेरा। देखो ये फ्रेंड्स इधर आओ, इधर आओ, इनको दिखाओ जरा, ये देखो पैसा है, अभी डॉलर महंगा हो गया, बहुत ही बेचारे इन्हीं से काम चला रहे, पैसा ही पैसे। सवेरा आप आई यहाँ पे, और आपने हमारा मतलब ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया, और आपने बहुत अच्छा किया आप आई। और कब से सवेरा बैठी थी, हम लोग कहे कि इतने सुस्त लोग हैं, लेकिन सवेरा को आई थिंक बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। इन्हें सब्सक्राइब करें, इनके व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये सब 1K आपकी वजह से हुए, तो प्लीज इन्हें सब्सक्राइब करें, आगे सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स। तो अभी चलो करते हैं केक कट, करते हैं केक कट करते हैं, अभी सवेरा को खिलाओ भी तो सही। मम्मा चम्मच चम्मच नहीं आता, चम्मच में नहीं आता। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे डॉलर वाले थे, सिर्फ डॉलर निकलेंगे, और इसमें से इतने सारे देखे पूरा गंद निकल गया, ये देखे सारे गंदे, देखो जल्दी जल्दी साफ करने। अब्बू डांटेंगे, अब्बू ने मना किया था, इसलिए हम लोग डॉलर वाला उठा कर लाए, और ये देखे ये क्या हो गया। गाइज मैं यहाँ की गेस्ट हूँ, इसलिए मैं सफाई नहीं करूंगी, यहाँ पे ये सब कर रहे। ओहो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा। ये मैं अभी सवेरा को सबसे पहले केक खिला देती हूँ, पहले सवेरा को हम खिलाते हैं केक। सवेरा
और अक्सा खाओगी आप? नहीं 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 फिर भी खा रही है, पागल पागल हो गई ये लड़की। के कहती मुझे खिलाओ खिलाओ, भी जब मैं खिला रही हूँ तो खा नहीं रही। मम्मा भी बहुत अच्छा है। ज़ेनब सब खाओ सब खाओ सब खाओ, बहुत खाओ। मरियम को खिलाती हूँ फिर। इसके लिए ये तो बनता है, ये देखे ये देखे, अभी अभी से ये हाल शुरू कर दिया है। मरियम मरियम सबर रख, सब 5 मिनट मुझे सबर करने दो पहले। बस अक्सा बस 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 लच्चे लच्चे को मारा। ये YouTube का जो आइकॉन है ना, ये अक्सा को खाना है। अक्सा ये लो प्लेट लाओ, ये आपका हो गया ठीक है। ये इसको खाने का बहुत शौक है, पता चलेगा जब ये फाउंटेन वाला खाएगी इतना मीठा इसको पता चलेगा। तो अभी फ्रेंड्स हम अपने गेस्ट को जो है ना, हमारी चीफ गेस्ट जो यहाँ पे बैठी है ना, इनको हम लोग कुछ खिलाने चाहते हैं क्योंकि बिचारी कब से आई है, फिर हमने कुछ खिलाया भी नहीं है तो भूख भी लगी होगी इनको, तो पहले इनको कुछ खिलाना। इसे अच्छा नाम रख दिया हमने, चीफ गेस्ट। आप चीफ गेस्ट जस्ट कैमरा ऑन करके फ्रेंड का देखा है ना, तो मेरा मुंह देखे क्या हाल कर दिया बच्चों ने। बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं। हम लोग अपने जो केक में जो ये हमने ऊपर जो इतना ये जो फ्रेम करवाया ना फ्रेंड्स, ये अभी हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि ये कार्ड का था ना, तो ये अभी हटा रहे हैं क्योंकि फिर केक भी खाना होता है और फिर खाना है ना, इसलिए हटा रहे। चलो हटा, कैसे हटा रहे? छुरी से? ये पेपर है एक, ये तो मैं अपने पास रखूंगी। क्या आपको चाहिए? पागल वागल सब एक ही जगह आ गए। वाओ केक, वैसे इससे ना इसके बाद तो ऐसे लगता है केक बढ़ गया, केक बढ़ गया ना। यूट्यूब का भी हटा रहे, ये क्रीम है वो है। यहाँ पे जो है सारा सेटअप हो चुका है और मेरी चीफ गेस्ट जो है वो यहाँ पे बैठी है और ये सारे बच्चे बैठे हैं। मैं हूँ देखो, सबसे पहले चीफ गेस्ट को दो क्योंकि वो मेहमान है ना हमारी। चीफ गेस्ट आप लीजिए, आपको जितना चाहिए। शर्माना मत चीफ गेस्ट, शर्माना नहीं आपने, वरना लोग मुझे कहेंगे कि आपने अपनी मेहमान को कुछ नहीं खिलाया, तो आपने सही से खाना है ठीक है ना। मरियम मेहमानों को पहले खाने दो। भूल गए उसको, उसको ले आओ उसको। मरी को होश ही नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स असल में आज हम लोग बहुत लेट हो गए ना, तो इसी चक्कर में हम अपने माइलों को भूल गए, वरना उसको हमारी चीज में करते हैं। मुझे इतना दुख हो रहा है ना, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? खा रही हो? नहीं ये तो इधर आ रहे, सो रहे। अल्लाह इसका तो सबसे प्याला हाथ है, ये हमारा कॉन्टेंट था ना, समझ रहे हो। खैर इधर आ, वो तो सही भाग रहा है, इधर तो आ, भाग गया माइलो, भाग गए फ्रेंड्स। वो नाराज है बिल्कुल हमसे। माइली फाइनली हमारा कुत्ता, हमारा माइलो, पता है फ्रेंड्स इसको खुद भी होश नहीं, सोता रहता है। हाँ भूल गई थी मैं आपको। तो दूसरे शिफ्ट की मैक्रोनी आ चुकी है और अभी मैं खाऊंगी फ्रेंड्स, कब से मैं भूखी बैठी हूँ। मैंने सही सच बताऊँ, मैंने ना वही नाश्ता किया था और अभी मैं खाना खाऊंगी, ये मुझे बहुत पसंद है मैक्रोनी। लो सवेरा चीफ गेस्ट आप केक का, मजा आया मैक्रोनी आपने भर के खा लिया ना, पेट भर के। जी सही। रात के बज रहे 11 और इस टाइम चीफ गेस्ट जो है हमारी, मतलब सवेरा, वो हमारी गली में रहती है, लेकिन क्या है कि अभी हम उसको छोड़ने जा रहे क्योंकि फिर बहुत लेट हो गई और वो गली के फुल कोने में रहते हैं, हम लोग इस कोने में वो उस कोने में। तो हमने बोला कि तुम अकेले मत जाओ, हम तुमको छोड़ भी देंगे और वॉक भी कर लेंगे अपने साथ ही, है ना जी। सवेरा को सेफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सूंघ रहे, इसको भी लेकर जा रहे अपने साथ आज। ये सूंघने वाली कौन सी बात है फ्रेंड्स, बहुत थक गई हूँ मैं अभी। क्या हुआ? मैं अपनी चप्पल लेने जा रही हूँ। अच्छा कैसे देख रहे हैं ना ये बिल्ली को, उधर बिल्ली है ना ये उसको देख रहा है। तो आज का दिन बहुत अच्छा था फ्रेंड्स, लेकिन एक बात ये है कि हमें आज गेम्स खेलने थे, लेकिन क्या हो गया अभी 11 बज रहे हैं और इसको भी घर जाना था। और मेरा घर बहुत दूर है, घर ना फुल गली के कोने में, तो अभी मैंने इसको बोला चार वाले दिन आएंगे। हाँ इंशाल्लाह जिस दिन आएंगे फिर हम लोग गेम्स खेलेंगे सब मिलकर, ठीक है ना। अक्सर ये नहीं इसको गटर में गिरा दोगी, मैं कह रही हूँ एक ही पीस है हमारे पास, उसको भी गटर में गिरा देगी। सवेरा और मैं जा रहे हैं और आगे से सवेरा की मम्मा उनको लेने आ रही है फ्रेंड्स। क्यों हम उनको बोल देंगे, सवेरा को ना उसकी मॉम मिल गई तो वो उसके साथ चली गई, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दुबई शॉपिंग सेंटर, वहाँ से हम अपनी कैट के लिए देखना है कैट फूड, तो देखते हैं यहाँ से मिलता है या नहीं। एक दे देना क्योंकि फिर वो खाता नहीं है ना, फिर एक लेकर, लेकिन बीफ में नहीं देना, चिकन में, क्योंकि वो टूना और चिकन में खाता है, बीफ में वो फिर नहीं खाता। वेजिटेबल और चिकन बस ही है। रात के लिए राशन जो है वो लेना था, वो ले लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि बहुत घूम लिया और माइलो के भी बहुत फैन मिले। लो घर चलो फाइनली। माइलो तुम हर जगह क्यों आगे होते हो?
यहीं पे करती हूँ मैं आज की वीडियो एंड फ्रेंड्स. और अभी अभी घर भी आ गए हम लोग, फाइनली हमारी जो चीफ गेस्ट मतलब सवेरा है वो भी चली गई फ्रेंड्स. और मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और इंशाल्लाह मुझे आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स. प्लीज़ 1K जैसे हो गए इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी अब आप 10K भी कर दीजिएगा, फिर उसके बाद भी आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा. और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यहाँ तक भी आए ना. तो सब मेरा तो आज का इरादा था कि मैं अच्छे से सेलिब्रेशन करती, लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारे 2-3 दिन का शेड्यूल बिजी था, तो मैंने सोचा कि मेरे 1K हो गए और मुझे सेलिब्रेशन करनी थी. तो ये हुआ कि मेरे ना वो शेड्यूल भी कैंसिल हो गया, लेकिन मैंने केक का ऑर्डर दे दिया था. फिर मेरी मम्मा ने बोला कि तुम लोग हल्की फुल्की डेकोरेशन तो खुद कर सकते हो, और मैं अकेली थी ना तो मैं जितना हो सका मैंने मैनेज किया. और अब अकेली थी, बहनें भी छोटी है तो कोई इतना वो कर नहीं पाया, तो इसलिए मैंने अकेली सब कुछ किया आज. आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. अच्छा लगे ना फ्रेंड्स तो कमेंट्स में जरूर कहिएगा. और बाकी फ्रेंड्स थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, एंड आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा. यहीं पे मैं करती हूँ अपने आज की वीडियो एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.